गिरिडीह में कोडरमा लोकसभा सीट को लेकर चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। सभी दलों के नेताओं ने जनसंपर्क अभियान चला रखा है। कोडरमा सीट की बीजेपी प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने धनवार विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया और बीजेपी के पक्ष में वोट करने की उन्होंने अपील की। कहा कि जनता चाहती है कि मोदी सरकार वापस आए। अन्नपूर्णा देवी से बातचीत की हमारे गिरिडीह से संवाददाता श्रीकांत ने। चुकी है और ऐसे में अन्नपूर्णा देवी क्षेत्र में भ्रमण कर रही हैं, लगाती हैं, जनता के बीच जा रही हैं, माहौल क्या है? बिल्कुल, आप भी देख रहे होंगे कि आज सुबह से लगातार ऐसे लगातार लोगों के बीच हैं, लेकिन आज सुबह से राजधनवार विधानसभा के राजधनवार क्षेत्र में पूरा घूम रहे हैं, तो लोगों में काफी उत्साह है। और लेट भी अगर हो रहा है जहाँ पे कार्यक्रम दिया हुआ है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, घंटों घंटों तक इंतजार कर रहे हैं, यानी कि लोगों के मन में उत्साह है और लोग चाहते हैं कि तीसरी बार मोदी सरकार, तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आम जन कमर कस चुके हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आने वाले समय में। जो पिछला रिकॉर्ड था, ऐसा लग रहा है कि कोडरमा लोकसभा की जनता पिछले रिकॉर्ड को भी तोड़ेगी और बहुमत अच्छे मतों के साथ। इंडिया अलायंस के नेता लगातार ये आरोप लगाते हैं कि जिस बड़ी आकांक्षा के साथ में कोडरमा लोकसभा की जनता ने वोट किया था, वो आकांक्षाएं कुछ ना कुछ अधूरी रह गई हैं। देखिए, जब जीवन है तो समस्याएं है ही, और आज हम बताएं कि कुछ ऐसी समस्या जो बरसों से, लगभग 3 दशक से जिसकी मांग थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया और ये काम हो रहा है, तो मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि हुई कि कम से कम जो बरसों से जिसकी मांग थी वो पूरा हुआ। आज रेलवे लाइन, जो आदरणीय स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा जी का सपना था, रेल से गिरिडीह को उन्होंने जोड़ा था, तो कोई भी सीधी ट्रेन गिरिडीह से रांची तक के लिए नहीं थी। आज वो भी हमें एक अवसर मिला, तो आज सीधे इंटरसिटी गिरिडीह से लेकर रांची तक अभी वो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।